गाइस अभी हमें पता चला है कि हमारी बिल्डिंग में जो है आग लगी है ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं बस अभी नीचे जा रहा हूँ उसको देखने के लिए। एंड अभी देखते हैं कि आग क्या लगी है, कैसी लगी है, मैं आपको थोड़ी देर में वापस अपडेट करता हूँ। और देखते हैं, मैं तो लिफ्ट से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो है लिफ्ट बंद कर दी गई है, और अभी थोड़ी देर में जो है कुछ कुछ घरों की जो है लाइट भी बंद है क्योंकि दो फेज़ है, एक फेज़ की लाइट बंद कर दी है, दूसरे फेज़ की लाइट चालू है अभी भी, इसके लिए जो है कॉरिडोर्स की लाइट चालू है। तो फटाफट हम नीचे चलते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या इशू हुआ है और आप कहाँ पे लगी है, क्या लगी है करके यहाँ से नीचे से। हाँ, बंद कर दे तो भी कहाँ से नीचे से निकल रही थे कहाँ। गाइस सामने देखिए जो BST का जो बॉक्स है वहाँ से जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है और बाहर तक का जो है चिंगारी निकल रही है, बहुत धुआं हो गया है, ऊपर तक का जो है वो धुआं आ गया था। ये देखिए गाइस, ये शॉप से भी जो है धुएं निकल रहे हैं कि वो लाइन कनेक्टेड है ये शॉप से, अगर यहाँ पे जो है आग पकड़ लेती है तो पूरी बिल्डिंग तक का जो फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइस अभी शॉर्ट सर्किट होना तो बंद हो गया है और हमने फायर ब्रिगेड को भी जो है बहुत सारे उन्होंने फ़ोन किया है, मैंने भी कॉल किया था, उन्होंने बुलाया कि बस एक 5 मिनट में जो है फायर ब्रिगेड आ जाएगी, और BST वालों का जो है अभी तक कुछ अता पता नहीं है। BST बॉक्स के यहाँ पे जो है बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, तो गली वालों ने जो है सबसे पहले वो गाड़ियों को हटा दिया ताकि आग गाड़ियों तक ना पहुँचे, और देखिए ऊपर तक का धुआं जा रहा है, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं अभी। तो गाइस फायर ब्रिगेड अभी आ चुके हैं, वो लोग आके चेक करेंगे अभी कि किस वजह से जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, और फायर ब्रिगेड तो आ गई लेकिन BST वालों का जो है इतने कॉल कर रहे हैं कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे, कुछ भी रिस्पांस नहीं है। पूरी बिल्डिंग वाले गाइस नीचे आ चुके हैं और लिफ्ट वगैरह सारी बंद है तो कोई ऊपर भी नहीं जा सकता। तो गाइस फायर ब्रिगेड वाले जो है अभी जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था कुछ वायर्स के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं,
ताकि जो है आगे और कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो और कुछ गीला हो गया हो तो मिट्टी जो है वो गीलेपन को हटा दे। तो फाइनली गाइस देखिए BST वाले आ चुके हैं, वो लोग भी चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, कैसे हुआ करके। सारी चीज़ें होने के बाद ये अभी आ रही है, क्या मतलब है इनका। हर साल जो है पैसे बढ़ाती है बट सर्विस कुछ नहीं देते हैं लोग। अभी का अपडेट ऐसा है कि BST वाले आए थे और उन्होंने फ्यूज़ निकाल के चले गए और उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि कब लाइट आने वाली है, कभी नहीं। वो डायरेक्ट आए फायर ब्रिगेड ने, उन्होंने जो BST वालों को जो है हैंड ओवर किया, वायर चेक किए और फ्यूज़ लेके चले गए। तो गाइस अभी का अपडेट ऐसा है कि BST वाले आए थे और फ्यूज़ लेके चले गए, उन्होंने कुछ अपडेट किया नहीं कि कभी लाइट आने वाली है, कभी वापस आके वो लोग बनाने वाले हैं। वैसे तो जो है वो लोग हर साल का चार्जेस बढ़ाते रहते हैं बट वो लोग इस मामले में बहुत ही बेकार हैं। 8 बजे से जो है हमारे यहाँ की पब्लिक कॉल कर रही है उनको बट कोई रिस्पांस नहीं था उनका। तो फाइनली गाइस 2 घंटे के बाद जो है हमारे यहाँ पे लाइट आ गई है और हमारे यहाँ पे 2 फेज थे, एक फेज़ हमने बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट हुई थी, तो दूसरा फेज़ जो है अभी चालू करके जो है लाइट चालू किया है, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं दे सकते उसके ऊपर। और यही है हर साल का जो है वो लोग पैसा बढ़ाते हैं BST वाले, लेकिन सर्विस कुछ नहीं देते हैं और उसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता कि इतना चार्जेस क्यों लेते हैं वो लोग, किस वजह से लेते हैं। ना कुछ उन लोग का प्रॉपर सर्विस मिलती है, ना कुछ प्रॉपर वायरिंग्स होती है, जहाँ देखो सब वायर लटकते रहते हैं। किस बात के वो लोग जो है एवरी ईयर उन लोग पैसा बढ़ाते हैं। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।